हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू ऑल आर अगेन वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस। आज का लेसन में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसिड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो एसिड तुम लोग बचपन से बहुत फेमिलियर हो उस एसिड के साथ, उस एसिड का नाम है HCl। तो हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आज का लेसन में हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड का किसने डिस्कवर किया था, इसको प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे। तो क्या क्या सीखना है आज के लेसन में? आज के लेसन में सीखना है बेसिकली द प्रिपरेशन ऑफ HCl, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। और एक बहुत ही अच्छा चीज़ जिसका नाम है एक्वाराजिया, और एक्वाराजिया के ऊपर में हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में और नीट और JEE एग्ज़ाम में भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट में हम लोग यूज़ देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ दिस एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो अ लॉट टू डिस्कस। बिफोर आई बिगिन, आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक ए पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाट आई विल डिस्कस हियर, ठीक है। तो बिना देरी करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके, जैसे मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंबाइनेशन में ये कंपाउंड फॉर्म होता है, सिंपली इट इज़ ए क्लोराइड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बट मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। मतलब जब भी ये हाइड्रोजन क्लोराइड को फर्स्ट डिस्कवर किया था तब इसका नाम नहीं पता था, इसका नेचर के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तब भी इसको साइंटिफिक लोगों ने क्या नाम दिया था? म्यूरेटिक एसिड, ठीक है। और कभी कभी इसको स्पिरिट ऑफ सॉल्ट बोला जाता है। क्यों? देखो, जितना भी हिल्स होता है, रॉक्स होता है, वहाँ से क्या निकलता है? सॉल्ट। और वहाँ से ये हाइड्रोजन क्लोराइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड से एज ए कंपाउंड वी कैन गेट इट, ठीक है। इसलिए इसको स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहा जाता है। इसको इसके अलावा भी इसका और भी दो नाम है, एक है हाइड्रोनियम क्लोराइड और एक है क्लोरहाइड्रिक एसिड, ठीक है। तो इतना ये सब याद रखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट याद रखो द ओल्ड नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। और ये मतलब याद रखना है, इट इज़ द सिंपलेस्ट क्लोरीन बेस्ड एसिड सिस्टम कंटेनिंग वाटर, ठीक है। नॉर्मली ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये विदाउट वाटर, मतलब एक्वा सॉल्यूशन में ही एसिड जैसा बिहेव करता है, ओके। विदाउट वाटर इसका एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, ठीक है। ये गैसियस भी हो सकता है, मतलब विदाउट एसिड, तो अब इसका एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए व्हेन इट इज़ कंबाइंड विथ वाटर देन ओनली इट विल शो इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। तो अभी एक बात याद रखना है, मतलब हम लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विथ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में एज ए गैस्ट्रिक एसिड इस HCl को मिला जाता है। मतलब प्रोटीन डाइजेशन में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों का स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर भी हम लोगों का स्टोमक में अंदर रहता है, फिर भी कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन होता है कब? जब कोई लोग इंसान टाइम में खाना नहीं खाते। अगर टाइम में खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा? उस एसिड, मतलब हम लोगों का स्टोमक का जो लेयर है, उस लेयर में उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तब उस इंसान विल सफ़र फ्रॉम गैस्ट्रिक, ओके, गैस्ट्राइटिस, और कभी कभी ओवर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से गैस्ट्रिक अल्सर भी हो जाता है। सो यू नीड टू बी कॉशियस अबाउट इट, ओके।
तो अभी देखते हैं इसका मतलब इसको डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, ये पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोबर। ठीक है, ये गोबर ने 1648 में क्या किया था, जो कॉमन सॉल्ट था। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज नोन एज कॉमन सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट को क्या किया था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया था। आफ्टर हीटिंग दिस कॉमन सॉल्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ही गॉट ए न्यू एसिड, ओके, न्यू कंपाउंड। बट उनको इसका नाम नहीं पता था। ठीक है, तो इसी तरह मतलब फर्स्ट टाइम गोबर ने कितना ईयर्स में, 1648 में ये एसीएल को प्रोड्यूस किया था। तब तक इसका नाम नहीं पता था, तब तक ऐसे चलते गया चलते गया चलते गया। लेकिन 1810 में एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था डेवी। ठीक है, ये डेवी ने ये प्रूव करके दिखाया कि हाइड्रोजन क्लोराइड इज नथिंग बट ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करके ये कंपाउंड बनाया जाता है, और ये किसने प्रूव किया था, डेवी ने। ठीक है, तो इतना ही था मतलब क्या, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहा है वो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वो क्या है, दैट इज़ द प्रिपरेशन। ओके, सो देखो मैंने क्या बोला था, गोबर ने क्या क्या था, सोडियम क्लोराइड और H2SO4 को हीट किया था। आफ्टर हीटिंग दे गेट दिस सल्फ्यूरिक एसिड, और उसी मेथड को आज अभी तक एज ए लेबोरेटरी मेथड वी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या करना है, देखो NaCl लिया गया है, और NaCl के साथ दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड, और सल्फ्यूरिक एसिड के पास हाइड्रोजन कितना है, दो है। ठीक है, और सोडियम का वैलेंस कितना है, वन। इसलिए ये एक ही हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन क्लोराइड रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, रिमूव हो जाएगा, और वी कैन स्टोर दिस हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, एज वी आर प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हो गया है, इसमें अभी भी क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब इट हैव व्हाट, एसिडिक करेक्टर अभी भी है इसके पास। इसलिए व्हेन वी अगेन रिएक्ट विथ दिस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट विथ सोडियम क्लोराइड, ओके, देन इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड विल अगेन गेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसी तरफ से मतलब अभी तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाया जाता है इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तुम लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो इन आवर लेबोरेटरी। ठीक है, देखो नॉर्मली ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये कभी मतलब इसको अगर तुम ड्राई करना चाहते हो, ठीक है, अलग करना चाहते हो, तो क्या करना है, सिंपल क्या कर सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से मतलब पास किया जाता है, देन वी विल गेट दिस HCl। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विथ व्हाट इज कंसेंट्रेटेड, व्हाट इज डायल्यूट। तो कंसेंट्रेटेड क्या होता है, जब भी मतलब उसमें वाटर कम करके मिक्स किया जाता है, मतलब एक्वस कंटेंट इज लेस, ओके। अगर उसमें वाटर ज़्यादा मिक्स कर दिया गया है, उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, उसका मोलारिटी मोलारिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको डायल्यूट कहा जाएगा। आई थिंक यू आई हैव टॉट यू इन द सोल्यूशन चैप्टर, ओके। तो चलो हम लोग अभी प्रिपरेशन देख लिया, प्रिपरेशन के बाद क्या देखना है, प्रिपरेशन के बाद इसका कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का कोई भी क्या नहीं होता है, कलर नहीं होता है। ठीक है, सिंपली इट इज़ ए कलरलेस, ओके, एंड बट इट हैज़ ए वेरी कैरेक्टरिस्टिक स्माइल स्मेल। व्हाट इज द व्हाट टाइप ऑफ स्मेल, दैट इज पांजन स्मेल। ठीक है, पांजन मतलब बहुत ही खराब बदबूदार स्मेल होता है इसका। ठीक है, और नेचुरली इट इज़ ए गैस, इट इज़ नॉट लिक्विड, बट व्हेन यू विल मिक्स इट विथ वाटर देन ओनली इट विल बिहेव लाइक एन एसिड, ओके। तो लेकिन ये गैस है, फिर भी क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली लिक्विफाइड दिस गैस, ओके। क्या लिखा है देखो इसमें, इट इज़ इजीली लिक्विफाइड टू ए कलरलेस लिक्विड, ओके। और उसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 189 केल्विन, मतलब बहुत ही कम, 189 केल्विन। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, 273 केल्विन, मतलब 1 डिग्री से कम।
टेम्परेचर में भी अगर हीट करोगे देन इट विल बी बॉयल, क्योंकि ये गैस है, गैस का बॉइलिंग पॉइंट इससे भी क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीजेस टू ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब यू कैन कन्वर्ट दिस हाइड्रोजन क्लोराइड इनटू सॉलिड। तब क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वाटर नॉर्मली क्या होता है, लिक्विड होता है, अगर तुम उसको ज़्यादा हीट करोगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, ठीक है। अगर वाटर को तुम क्या करोगे, उसका टेम्परेचर कम कर दोगे, ओके, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, आइस। आइस मीन्स व्हाट, सॉलिड। लाइक दैट यू कैन कन्वर्ट दिस गैस, दिस हाइड्रोजन क्लोराइड इनटू सॉलिड, एंड व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड, दैट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 159 केल्विन, ठीक है, देख के पता चलता है कितना कम है। वाह, देखो ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, ये बहुत ही इजीली मतलब वाटर के साथ मतलब मिक्स हो जाता है, मतलब इट इज़ वेरी इजीली सोल्यूबल इन वाटर। देखो ये वाटर है, हो गया, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, और हम लोगों को पता है क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ ए एसिड, और एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे कैन डोनेट एच प्लस, ओके, दे कैन डोनेट प्रोटॉन, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। देखो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये वाटर को एक एच प्लस डोनेट करिए, तो अभी हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, H3O पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज एन एक्वस आयन, ठीक है, देन ओनली दिस क्लोराइड आयन विल बी रिमेन, ठीक है। और तब भी अगर तुम इसका डिसोसिएशन कंस्टेंट निकालोगे, व्हाट इज डिसोसिएशन कंस्टेंट, आई थिंक यू नो डिसोसिएशन कंस्टेंट कैसे निकालता है, के इज इक्वल टू, मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो ऊपर में होगा, इसमें प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट इन लोगों का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और जो रिएक्टेंट होता है इसको नीचे में पुट करना पड़ेगा, ओके, देन ओनली यू गेट द के, मतलब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। आई थिंक यू हैव लर्न अबाउट दिस इन क्लास 11 इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, ओके। इसमें एक बात याद रखना है, जिसका जो ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता है, इसलिए व्हाट कैन यू राइट, यू कैन राइट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक। उसी तरह बेस के लिए भी क्या होता है, के बी, ठीक है, जिसका के बी का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, ओके। तो नॉर्मली जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है उसका के का वैल्यू कितना होता है, 10^7, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही हाई वैल्यू है, हायर वैल्यू है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस व्हाट कैन वी कंसिडर, वी कैन कंसिडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा, देखो इट इज़ इट्स एक्वास सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसका गैसियस फॉर्म और सॉलिड फॉर्म को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला नहीं जाता है, ठीक है। बट व्हेन विल मिक्स और विल डिजॉल्व दिस हाइड्रोजन क्लोराइड इन एक वाटर, ओके, देन ऑल बी लिट विल बी नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके, एंड डोंट नीड टू वरी, आई विल प्रोवाइड यू दिस PDF of this lesson, okay, you can write from there, so better you can just listen to my lesson, okay. तो एक इम्पॉर्टेंट सा रिएक्शन है, देखो इट रिएक्ट्स विथ एमोनिया एंड गिव्स व्हाइट फ्यूम्स ऑफ एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जब भी ये एमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या फॉर्म करता है, एमोनियम क्लोराइड। आई थिंक यू नो एमोनिया हैव ए व्हाट, एमोनिया हैव ए लोन पेयर, एमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर, और जब लोन पेयर होता है उसके प्रोटॉन के तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा क्या होता है, एफिक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड से एक हाइड वो लेकर मतलब ऐसे टाइप का एक सॉल्ट फॉर्म करेगा, व्हाट इज दिस सॉल्ट, दिस सॉल्ट इज एमोनियम क्लोराइड, और इस बार तुम लोगों का लैब में मतलब इस एमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट भी एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई व्हाइट फ्यूम्स अपीयर्स, ओके, व्हेन एमोनिया रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट, बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज दिस कंपाउंड, एमोनियम क्लोराइड। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं, ओके, अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मतलब कंपाउंड जिसके बारे में यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, व्हाट इज दैट, दैट इज एक्वा राजिया,
ठीक है, जिसको हिंदी में अम्ल की राज मतलब अम्ल राज भी बोला जाता है, ठीक है। और इन प्योर इंग्लिश इट इज़ नोन एज किंग्स वाटर, एक्वा मीन्स वाटर, रेजिया मीन्स किंग, ओके किंग, दीज आर लेटिन वर्ड्स, ओके। तो क्या होता है, जितना भी एसिड है इस दुनिया में, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है ये एक्वा रेजिया, ठीक है। नॉर्मली देखो कुछ नोबल मेटल होता है, नोबल मेटल क्या क्या होता है, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब नॉर्मली नॉर्मल एसिड के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए तो इस लोगों को नोबल मेटल कहा जाता है ना, ठीक है। लेकिन व्हेन यू मिक्स विद एक्वा रेजिया विद दिस नोबल मेटल्स ऑल्सो, देन दिस नोबल मेटल विल ऑल्सो रिएक्ट, ठीक है, विद दिस एक्वा रेजिया। तो चलो पहले सीखते हैं व्हाट इज एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया को बनाया कैसे जाता है, वेरी सिंपल, क्या लेना है, यू नीड टू टेक 3 parts ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, एंड 1 parts ऑफ नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। और मैंने नाइट्रिक एसिड का ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना के रखा हो, ठीक है, ऑलरेडी आई हैव आई थिंक फ्रॉम योर कॉलेज अथॉरिटी दिस वीडियो वॉज सेंड टू यू। लेकिन बहुत ही दुख के साथ बोल रहा हूँ कि तुम लोग ये लेसन नहीं देख रहे हो, ठीक है, तो जस्ट मुझे यही कहना है तुम लोग देखो लेसन को, ठीक है, और नोट्स बनाओ, नहीं तो इट विल रियली हैम्पर यू एयर लॉट, क्योंकि टाइम तो जा रहा है ना, जाने वाला टाइम फिर से कभी भी रिटर्न बैक नहीं होता है, ठीक है, और एग्ज़ाम भी तो होने वाला है, क्योंकि ये पेंडेमिक हमेशा रहने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए घर में एंजॉय भी करो, उसके साथ पढ़ाई में भी ध्यान दो, ठीक है। तो चलो फिर से हम लोग ये एक्वा रेजिया टॉपिक में चलता है। एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया मतलब 3:1 रेशियो में क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड HNO3। जब वी मिक्स 3:1 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड HNO3, देन वी विल गेट ए और येलो ऑरेंज फ्यूमिंग लिक्विड, कैसा टाइप का, येलो ऑरेंज कलर का। और समटाइम ये कभी अगर उसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गया ना तो ये क्या हो जाता है, रेड भी हो जाता है, ठीक है। और उसी कंपाउंड को, उसी मिक्सर को, लिक्विड को क्या कहा जाता है, एक्वा रेजिया, ओके। एंड दिस एक्वा रेजिया कैन डिजॉल्व दिस नोबल मेटल ऑल्सो, यू नीड टू रिमेंबर दिस, एंड यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर व्हाट इज नोबल मेटल। जनरली दिस गोल्ड एंड प्लैटिनम ओनली नोन एज नोबल मेटल होगा। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाया किसका, एक्वा रेजिया का, तुम लोग ये देख सकते हो, बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है व्हाट इज एक्वा रेजिया एंड हाउ इट रिएक्ट विद गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गोल्ड और प्लेटिनम का दो स्ट्रक्चर या दो रिएक्शन यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो वो रिएक्शन कैसा है, उस रिएक्शन के लिए क्या क्या करना है, उस रिएक्शन के लिए नथिंग बट वेरी इजी, क्या करो, बस देखो दिस इज व्हाट गोल्ड, और जो एक्वा रेजिया है वो किससे मिक्सर के बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों मिक्स के क्या बनता है, हाइड्रोजन और क्लोराइड और नाइट्रेट HNO3 नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये आता है कहाँ से, HCl से भी आता है और HNO3 से भी आता है, और ये Cl नेगेटिव कहाँ से आता है, दिट कम फ्रॉम ओनली दी हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये दो नाइट्रेट आयन ये कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड ओनली, ओके। तो व्हेन एवर दिस एक्वा रेजिया विल रिएक्ट विद गोल्ड, यू विल गेट दिस टाइप्स ऑफ आयन, तभी ऐसा टाइप का ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, जिसको देखो गोल्ड का जो साइंटिफिक नाम क्या है, ओराम, ठीक है। और ये 4 moles ऑफ क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, इसको बोलता है क्लोरो क्लोरो एसिड, ठीक है, क्लोरो ओरिक एसिड, ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस रिएक्शन। और इसके साथ एज ए बाय प्रोडक्ट यू विल गेट NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एंड यू विल गेट वाटर। इस दोनों रिएक्शन में एक ही कॉमन चीज़ है, देखो प्लेटिनम के साथ भी ये ऐसे कंपाउंड बनाया, प्लेटिनम का कंपाउंड, और ये जो बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों हमें क्या है, सेम है, इसलिए ये रिएक्शन को याद रखना बहुत ही आसान है, ठीक है।
क्या करोगे, ये हाइड्रोजन कहाँ, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट क्लोराइड कहाँ से आया, वो एक्वाराजिया से आया। और जस्ट यू नीड टू रिमेम्बर, गोल्ड के साथ टेट्रा क्लोराइड और प्लेटिनम के साथ हेक्सा क्लोराइड जैसा कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये दोनों था इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ व्हाट, एक्वाराजिया विथ गोल्ड एंड प्लेटिनम, दस गोल्ड एंड प्लेटिनम डिजॉल्व, ओके इन दस गोल्ड एंड प्लेटिनम डिजॉल्व इन व्हाट, एक्वाराजिया, इसको याद रखना है, होगा। तो चलो हम लोग और भी देखता है इस लेसन का। देखो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा पावर है। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, जो वीक एसिड का सॉल्व होता है। वीक एसिड क्या क्या होता है, जनरली जितना भी इनऑर्गेनिक एसिड होता है ऑल आर वीक एसिड, ठीक है, सॉरी जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है, सॉरी जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है ऑल आर वीक एसिड, ठीक है। मोर ओवर जो कार्बोनेट होता है HCO3, मतलब कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ओके, दिस कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड दिस सल्फ्यूरस एसिड इट इज नॉट एज वीक एज दिस कार्बोनिक एसिड, बट इट यू कैन कंसिडर इट ऑल्सो एज वीक एसिड, ठीक है। जब भी ये एसिड कोई सॉल्व फॉर्म करता है, दिज आर नोन एज वीकर एसिड सॉल्ट, ओके। तो जनरली कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फाइड, ऐसा टाइप का सॉल्ट को क्या बोला जाता है, वीक एसिड का सॉल्ट बोला जाता है। जब भी तुम इस वीक एसिड का सॉल्ट को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे, ओके, इट विल बी डिकम्पोज, जैसे यहाँ पे क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट, ओके, व्हेन दिस सोडियम कार्बोनेट विद रिएक्ट विद HCl इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इन ऑल द केस, ऑल द थ्री केस यू विल गेट सेम प्रोडक्ट, यहाँ पे कार्बन था इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड मिला, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट था, बट ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो ऑक्सी एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड, और वहाँ से ये सॉल्ट बनाया था, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, और इसलिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया है। तो ओवरऑल इसमें क्या याद रखना है, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद वीकर एसिड सॉल्ट देन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज डिकम्पोज। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव सम एग्जाम्पल ऑफ वीकर एसिड सॉल्ट, तो क्या लिखना है, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स, ओके। और ये तीनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, वो एक्वाराजिया वाला रिएक्शन, ओके। तो चलो आगे देखते हैं क्या है। तो लास्ट में क्या देखना है, इस जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब यूज़ क्या क्या होता है, मेनली क्या है। देखो हम लोग ने ऑलरेडी देखा जो अमोनियम क्लोराइड, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड, ठीक है। मोर ओवर जो ग्लूकोज होता है ना, ये ग्लूकोज मतलब स्टार्स, स्टार्स को अगर तुम लोग क्या करोगे, मतलब डिसोसिएट कर, देन यू विल गेट और ग्लूकोज, तो स्टार्स से ग्लूकोज बनाने के लिए भी दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड, ओके। मोर ओवर फॉर extracting glow from bones and purifying bone black, glow बनाने के लिए कहाँ से, बोन से इसको यूज़ किया जाता है। मोरओवर जो बोन ब्लैक होता है, आई थिंक ऑल ऑफ यूर फेमिलियर विथ व्हाट इज़ बोन ब्लैक, ये बोन ब्लैक क्या होता है, इसको तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे क्या है, ठीक है। दिस HCl इज यूज्ड, मोरओवर इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजन है, ठीक है। लेबोरेटरी में तो देखते ही होंगे क्या, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड रहता है, ठीक है। तो इट इज़ यूज इन मेडिसिन एज वेल एज इन लेबोरेटरी। तो एट द लास्ट आई हैव सम होमवर्क फॉर यू, ठीक है, ओनली 3 होमवर्क फॉर यू। तो मैंने बहुत दिन से होमवर्क नहीं दिया, तो सोचा आज कुछ होमवर्क देते हैं। ये पहले दो जो होमवर्क है, ये दोनों मतलब पहले जो क्लोरीन का लेसन बनाया था उसका रिलेटेड है, और ये 3 नंबर वाला आज का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा उसका रिलेटेड है। तो क्या करना है, सबको ये वीडियो को पॉज मार के ये दोनों लिख लेना है और होमवर्क करके मुझे सेंड करना है। और कौन सा नंबर में सेंड करोगे, एंड दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, यू नो, ओके, यू कैन सेंड मी शेयर ओनली, ओके। अगर तुम लोगों को आज का लेसन अच्छा लगा तो क्या कर सकते हो, यू कैन
like this video, and moreover you can subscribe my channel. Okay, thank you for watching. Oh, 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 oh